पालघर में जिस तरीके से पिछले दिनों दो साधु और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग की गई है, वो अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। वो कहीं ना कहीं हमारे रूह को कपा देने वाली घटना है, और इस घटना के लिए जो भी लोग जवाबदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि उस भीड़ में जो शामिल 100 लोग थे, उन 100 लोगों के खिलाफ या 101 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह हत्या का मामला है, यह एक नरसंहार है, यह एक जघन्य हत्याकांड है। और ऐसे हत्याकांड करने वाले जो मॉब लिंचिंग में शामिल जो भीड़ में जो खतरनाक लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए। मेरी मांग है कि इनके खिलाफ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके इनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तब जा करके भीड़ में शामिल होकर के एकदम से निर्दोष लोगों को मारे जाने की जो एक प्रथा शुरू हुई हमारे देश में, हमेशा के लिए कुप्रथा खत्म होगी। मैं मांग करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से कि जितना जल्दी हो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके मॉब लिंचिंग के शिकार हमारे दो साधु और उनके जो साथी थे उनको न्याय दिलाएं।